हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मित्रास क्लासेस। माय नेम इज़ सचिन त्यागी और हम पढ़ रहे हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑन डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंसेस। ठीक है, तो हमने अभी तक यहाँ पर एम्पलीट्यूड स्केलिंग कंप्लीट किया। हमने इसके बाद सिग्नल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सिग्नल मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंस इक्वेशन एंड समेशन ऑपरेटर फॉर डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंसेज। ठीक है, तो जैसे हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में बात की थी डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन की, तो डिफरेंस या जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए, वैसे ही डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंसेस के लिए हम करते हैं डिफरेंस इक्वेशन। उनकी क्यों ज़रूरत पड़ी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ वन, दैट इज डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ यहाँ पर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए। पहले देखते हैं फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, तो सिटी सिग्नल्स के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूटी जो होता है इट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप सिग्नल। ठीक है, अगर आप रैंप सिग्नल को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाता है मेरे को, यूनिट स्टेप सिग्नल मिल जाता है। और अगर मैं एक स्टेप और आगे जाऊँ, मतलब मैं कहूँ कि मैं डी बाई डी टी कर रहा हूँ किसका, यूटी का, अगर मैं यूनिट स्टेप सिग्नल को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, डेल ऑफ टी। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑपरेटर की हेल्प से मैंने एक रिलेशन डेवलप किया बिटवीन यूनिट स्टेप सिग्नल एंड रैंप सिग्नल, सिमिलरली बिटवीन इम्पल्स सिग्नल एंड यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यही रिलेशन अगर मैं डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंसेस में डेवलप करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, वो चीज़ हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर यू एन और आर एन में ही एक रिलेशन लिखना चाहूँगा कि भाई मेरे पास एक इनपुट सिग्नल है आर एन, वहाँ से मैं यू एन कैसे लिख सकता हूँ। तो आइए जानते हैं पहले आर एन का नेचर कैसा होता है। ठीक है, पहले नेचर की बात कर लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर बनाऊँ एन इक्वल्स के लिए फॉर एन, आर ऑफ एन क्या प्लॉट होगा, तो ये नेचर तो वही फॉलो करेगा एक स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ एन इक्वल टू जीरो पे सैम्पल वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। फिर मैं वन की बात करूँ तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, वन। ठीक है, टू पे वैल्यू क्या होगी, टू। सिमिलरली मैं अगर बात करूँ थ्री पे क्या होगी, थ्री। ठीक है, एन इक्वल्स टू फोर पर क्या होगी, फोर, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यही नेचर ये फॉलो करता रहेगा। तो दिस इज़ माई आर ऑफ एन, तो जिसको मैं लिख लेता हूँ आर ऑफ एन इक्वल्स टू एन इंटू यू एन। क्लियर, लिख लेता हूँ मैं इसको, क्लियर, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये मेरे पास क्या हुआ, रैम। यू एन क्या होता है, यू एन इज़ बेसिकली जब मैं बात करूँगा यू एन की, तो यू एन क्या हो जाएगा, सिग्नल, दिस इज़ माई यू ऑफ एन। तो यू एन क्या हो जाएगा, ज़ीरो पर वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू वन। इसके बाद वन पर भी क्या रहेगी, वन। ठीक है, इसके बाद टू पर भी सिग्नल वैल्यू क्या रहेगी, वन। थ्री पर भी क्या रहेगी, सिग्नल वैल्यू वन। फोर पर भी क्या रहेगी, सिग्नल वैल्यू वन, एंड सो ऑन। ठीक है, और ये भी ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये है, तो मुझे क्या करना है, मुझे जैसे मैंने कंटिन्यूस टाइम डोमेन में लिखा था कि भाई यू टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ आर ऑफ टी, तो मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन मैंने किसका किया था, उसमें रैंप सिग्नल का। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस इक्वेशन ऑपरेट लगाऊंगा किस पे, रैंप सिग्नल पे, ताकि मुझे क्या मिल जाए, यू एन मिल जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर यू एन को लिख सकता हूँ डायरेक्टली, क्या मुझे एन इक्वल टू जीरो पर वैल्यू क्या चाहिए, वन, और लेकिन यहाँ पर क्या है, वैल्यू ज़ीरो। तो पहले मैं इसकी क्या करूँ, शिफ्टिंग करूँ। मैंने अभी डिस्कस नहीं किया डिस्क्रीट के लिए, बट कंटिन्यूस के लिए तो मैंने डिस्कस किया है। तो मैं सिग्नल को अगर टाइम एडवांस करूँ, मैं आर ऑफ एन प्लस वन यहाँ पर अगर प्लॉट कर दूँ, आर ऑफ एन प्लस वन, तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा, ज़ीरो सिग्नल कहाँ पहुँच जाएगा, माइनस वन पर। ठीक है, प्लॉट करके देख लेते हैं सिग्नल को, यहीं पर प्लॉट कर लेता हूँ मैं सिग्नल को, लेट सपोज। ठीक है, तो मुझे क्या प्लॉट करना है, आर ऑफ एन प्लस वन प्लॉट करना है। तो माइनस वन पर सिग्नल क्या हो जाएगा मेरा, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो पर वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। ठीक है, वन पर वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। क्लियर, तो ये मेरा यहाँ से एक रैंप नेचर को फॉलो करेगा। ठीक है, अगर मैं टू की बात करूँ तो टू पर वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, थ्री हो जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, फोर पर क्या वैल्यू हो जाएगी मेरी, बताइए, फोर पर टू पर वैल्यू थ्री हो गई, तो थ्री पे वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, फोर हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो अगर मैं अब आर ऑफ एन प्लस वन में से ये सिग्नल अगर माइनस कर दूं, मतलब मैं यहाँ पे लिखूँ आर ऑफ एन प्लस वन में से मैं माइनस कर दूं आर ऑफ एन, ठीक है, तो सिग्नल से माइनस कर लेते हैं, माइनस वन पे यहाँ पे क्या है, ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, ये कुछ नहीं है तो मतलब ज़ीरो, तो वन पे क्या मिलेगा, ज़ीरो, छोड़ देते हैं उसको। एन इक्वल टू जीरो पर वैल्यू कितनी है, वन, यहाँ पर कितना है, ज़ीरो, तो वन माइनस ज़ीरो वन मिलेगा, ये वैल्यू आ गई मेरी।
ठीक है, आगे चलते हैं वन के लिए। वन पे कितनी वैल्यू है यहाँ पर, टू, यहाँ वन पे कितनी है, वन, तो टू माइनस वन वन, ऐसी टू थ्री सबके लिए मुझे वैल्यू क्या मिलती जाएंगी, वन। ठीक है, तो मैं आर ऑफ एन प्लस वन में से अगर आर एन माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यू एन। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, ये है डिफरेंस इक्वेशन फॉर यू एन। सिमिलरली आई कैन राइट इट फॉर, सिमिलरली मैं डेल ऑफ एन के लिए लिख सकता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पे पढ़ा था कि डेल ऑफ टी क्या होता था, डी बाई डी टी ऑफ यू टी, तो मैं यू टी को डिफरेंशिएट करता था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यू एन में कुछ चेंजेस करके उस पर अब डिफरेंस इक्वेशन ऑपरेट करके मैं डेल एन फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं डेल एन क्या होता है बेसिकली। तो मैं डेल एन अगर प्लॉट करने लगूँ तो इट विल बी लुक लाइक दिस, एन इक्वल टू, ये मेरी एक्सिस है, तो जीरो पे सिर्फ एक इम्पल्स लाई करती है वन की, जिसका जो एरिया कहूँ या स्ट्रेंथ कहूँ या वैल्यू उसकी क्या होती है, वन। ठीक है, तो मतलब मुझे क्या चाहिए, ये मेरे पास यू एन अवेलेबल है। ठीक है, तो वन वन की इम्पल्सिस प्रेजेंट हैं एन इक्वल टू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, मुझे सिर्फ जीरो पे चाहिए। तो मैं क्या करूँ, यू एन में से एक सिग्नल को डिले कर देता हूँ, यू ऑफ एन माइनस वन अगर प्लॉट करता हूँ, यू ऑफ एन माइनस वन, तो वो सिग्नल जीरो से शुरू ना होकर कहाँ से होगा, वन से। वन पे की इम्पल्स आएगी, टू पे की इम्पल्स आएगी, थ्री पे इम्पल्स आएगी, फोर पे आएगी, जीरो पे कुछ नहीं आएगा। तो उसमें से अगर मैं उसको माइनस कर दूँ, मतलब मैं लिख सकता हूँ यू ऑफ एन माइनस, यू ऑफ एन माइनस वन, ये मेरा यू एन है, एक सिग्नल मैंने इसको डिले करके प्लॉट कर लिया, उसमें से माइनस करूँगा तो जीरो पे वैल्यू कितनी है, वन, और यू ऑफ एन माइनस वन पे जीरो पे कितनी वैल्यू रहेगी, कुछ भी नहीं, तो वन मिल जाएगा। उसके बाद ये सारे वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मुझे ये रिलेशन मिल जाएगा डेल एन के लिए। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंस इक्वेशन की हेल्प से रिलेशन लिखा है बिटवीन आर एन एंड यू एन, सिमिलरली यू एन एंड डेल एन। क्लियर है, ये मेरा डिफरेंस इक्वेशन है। आगे चलते हैं फिफ्थ वन, दैट इज़ इंटीग्रेशन कंटिन्यूस टाइम डोमेन में बोलते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो समेशन, हम उसको वर्ड यूज़ करेंगे, समेशन। तो इसी में चेंजेस कर देता हूँ मैं, देख लेते हैं समेशन को भी। फिफ्थ इज बेसिकली, और इसके बाद हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंसेस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, दिस इज समेशन, समेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो समेशन मतलब इंटीग्रेशन। तो अब स्टेप बैक चलते हैं, जैसे कि मैं इंटीग्रेट करता हूँ इम्पल्स सिग्नल को डेल को, तो मुझे क्या मिलता था वहाँ पर, यू टी मिलता था। ठीक है, अगर मैं डेल ऑफ टाओ, टी टाओ को इंटीग्रेट करता था माइनस इन्फिनिटी से लेके टी, तो मुझे क्या मिलता था, यू टी मिलता था, हैं, इन कंटिन्यूस डोमेन मिलता था, नहीं मिलता था। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ डिस्क्रीट डोमेन में या डिस्क्रीट टाइम सिक्वेंसिस की मैं अगर बात करूँ, तो यू ऑफ एन क्या हो जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन की जगह यहाँ पर क्या जाएगा, समेशन। ठीक है, और वेरिंग पैरामीटर क्या हो जाता है, वेरिंग पैरामीटर क्या हो जाएगा, एन। तो यहाँ पे मैं रिलेशन अगर लिखूँ कि डेल ऑफ एन माइनस के की फॉर्म अगर लिखूँ, तो वेरिंग पैरामीटर क्या हो जाएगा मेरा, के की वैल्यू जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, जब मैं के की वैल्यू जीरो पुट करूँगा तो मुझे एक इम्पल्स कहाँ पर लाई करेगी, डेल ऑफ एन, मतलब सिंपल, एक मैंने जीरो पर वैल्यू सिग्नल प्लॉट कर दिया, डेल ऑफ एन क्या होता है, जीरो पर होता है। उसके बाद मैं k की वैल्यू वन पुट कर दूं, k इक्वल्स टू वन, तो सिग्नल कहाँ हो जाएगा, डेल ऑफ एन माइनस के, एक शिफ्टेड इम्पल्स मिल जाएगी, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, उन सबको मैं अगर ऐड कर दूंगा तो मुझे ये पैटर्न मिल जाएगा। तो दिस इज़ माई यू ऑफ एन। ठीक है, तो हम ऐसे यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने एक रिलेशन लिखा है इम्पल्स में और यू एन में, समेशन की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कंप्लीट कर लिया। एम्पलीट्यूड स्केलिंग में सिंपल हमने स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई की थी, जो सिग्नल की वैल्यूज़ हैं, सिग्नल वैल्यू उनमें की थी, तो जो एन है, ठीक है, एन की जो पोजिशन है वो मेरी सेम थी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसके बाद मैंने सिग्नल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन किया, तो इन तीनों में जो मैंने ऑपरेशन किए वो पहले स्टार्टिंग कहाँ से की, एन इक्वल टू जीरो पर जो मेरी सैम्पल है, सैम्पल वैल्यू है, ठीक है, जो मेरी सिग्नल की वैल्यू है वहाँ से मैंने स्टार्टिंग की, उनको ऐड किया, उनको सबट्रैक्ट किया या मल्टीप्लाई किया। उसके बाद मैं वन बाय वन स्टेप मूव करता गया, वन स्टेप आइधर लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड। इसके बाद मैंने डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस इक्वेशन का यहाँ से रिलेशन लिखा। तो जैसे कंटिन्यूस टाइम डोमेन में हम पढ़ते थे कि भाई इनमें जो रिलेशन होता था, आर टी को डिफरेंशिएट करेंगे यू टी मिलेगा, यू टी को डिफरेंशिएट करने पे इम्पल्स मिलता है, तो वो मैंने डिफरेंस इक्वेशन की हेल्प से जाना। इसके बाद मैंने किया कंटिन्यूस टाइम में जो इंटीग्रेशन करते थे, यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, समेशन। तो मैंने यहाँ पे समेशन करके दिखाया कि मैं अगर इम्पल्स सिग्नल्स की समेशन करता जाऊँ एन इक्वल टू के इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इस रिलेशन के हिसाब से, तो मुझे क्या मिल जाएगा,
यूनिट स्टेप इन डिस्क्रीट डोमेन, मुझे सीक्वेंस मिल जाएगी कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहाँ पर हम अब एन पे फंक्शंस करना शुरू करेंगे, एन मतलब नंबर ऑफ सैम्पल्स। ठीक है, तो हम उसमें शिफ्टिंग करेंगे, स्केलिंग और रिवर्सल करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस उस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मित्रास क्लासेस, अ ग्रेट प्लेस टू लर्न। थैंक यू।